बस मेरे साथ ना बहुत बुरा हो चुका है, दो बार प्रैंक हो चुका है। ये मौका मुझे मिला है कुछ करने का, ट्राई कर रहा हूँ, देखता हूँ होता है कि नहीं है, पर मैं बैंड तो जरूर बताऊँगा इन लोगों को। सो फाइनली प्रैंक विद यू ऑन चिंकी पिंकी। तुम्हारा नाम तो क्या मतलब क्या करना है? तो वैसे ही फालतू बोल रहा था राम भाई किसी को, राम भाई तो किसी को फालतू नहीं बोलते। क्या हुआ, क्या हुआ? ठीक है, तुम या तो अनुज को समझाओ कि ऐसे गलत बात यार, जैसा ही है यार। अरे गाली बक रहा था, ऐसे ही बकवास कर रहा था। नहीं वो पर मुझे तो देख रही, इतने खास वो है ना, गाली मार्केटर इनकी बात गई है, पूरी बात क्यों नहीं बता रहे? बताओ, इतनी सारी बातें आपने बता दो। ये शांति परेशान है, उधर खाना लेने का। राम भाई, राम भाई आओ। ये जब आपने फिर रोटी लेने, आप ये तो बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। तो मैंने क्या बोला था? वो भी ऐसे आता मार खाने लायक, ये भी ऐसे मार खाने लायक आता है। क्या मैं क्या मार खाने लायक तू ही बकवास कर रहा था। मैं ठंडे से बात करो, ठंडे से। आप लड़ो, मैं कर रहा हूँ, आप बस दो मिनट देखो। आज मैं आज इंसाफ करूंगा। राम भाई मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता, इसको भी बोलो जो भी है सीमा में रहना चाहिए ना। हुआ क्या है? अरे कहाँ मैगी रोटी इन सब चीजों के लड़ना, क्या तुमको मतलब चाहिए क्या? अरे वही बोल, राम भाई तुमसे इतनी अच्छे से बात कर रहे हैं, इतनी इज्जत से बात कर रहे हो, और तुम वो यहाँ के भी मतलब बच्चे हो यार उनके छोटे। अरे सर ऐसी बात नहीं है भाई, देखो राम भाई अब मेरे से कह रहे हैं कि मैं जॉब छोड़ के जा रहा हूँ सर, बहुत बदतमीजी हो गई, अब मुझे बताओ मैं क्या करूँ। अरे यार ये लोग किचन में कुछ कर रहे थे, ठीक है, राम भाई कुछ बना रहे थे, इसने जाके बोला हटो राम भाई हमें करने दो, आप क्या मसलों का खाना बनाते रहोगे, ये वो जो भी इसने बकवासी करी हो वहाँ पे। राम भाई को गुस्सा आया, राम भाई ने बोला कि भाई मेरे से ऐसा मत बोल, क्योंकि मैंने उनको समझा रखा है कि कुछ ऐसा बोले ना। और वो अभी यार वो जॉब छोड़ के चले जाएंगे तो यहाँ पे कौन रहेगा? देखो टिकट करा लिया उन्होंने ट्रेन की। राम भाई गुस्से में हो गए, गुस्से में कर ली टिकट, वो बेचारे ट्रेन की टिकट करा के बैठ गए। अरे मैम इतना कुछ कहा था, हमारी बात है। राम भाई आप इधर मत रहो, नहीं आप मार दो, आप मार दो। वो क्या मारेगा, वो क्या मारेगा? नहीं बोल रहे तू, बोल रहे नहीं 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 नहीं, लड़ो मत, लड़ो मत, बहुत ज्यादा बोल रहा है भाई। मैंने कुछ कहा था? चुप बैठा हूँ इनके लिए, मैंने कुछ नहीं कहा भाई, मना करके रखा, इसके लिए मारा मारी कर रहा हूँ। तो फिर मैंने कुछ कहा? तू तो बकवास करने लग रहा है, चुप कर आराम से, मैटर मत बनाओ। वो वहाँ ट्रेन की टिकट, वो वहाँ ट्रेन की टिकट करा के बैठे हैं, तुम यहाँ दुकान लड़ा रहे हो, आप क्या समझ गए? तुम्हारे टिकट कैंसिल कर दो यार। अरे मैं क्या गुस्सा, मेरे राम भाई छोड़ के जा रहे हैं, गुस्सा रहे हैं यार। नहीं ये क्या तमाचा, तुम पहले मेरे से बात मत करना। ए भाई देखो बात, देखो मैंने उसको ज्यादा कोई बकवास कर रहा था यार, कोई बकवास कर रहा हूँ जो कर रहा हूँ यार, भाई ये बहुत सही कर लिया मैंने। ये अच्छा था, अच्छा था। थैंक यू, थैंक यू। क्या बात है,
भाई इसको कैमरा पता नहीं कहाँ से दिख जाता है। मैं कुछ नहीं समझी थी, ना ही समझी थी। राम भाई थैंक यू सो मच। थैंक यू अनुज। नहीं मैम देखो मैंने ट्राई किया, देखो मैंने किया सही ना, सही ना, सही किया ना। जाओ तो दो बार शिकार बन चुका अब नहीं रहा था मुझसे। मैंने भी सोचा कि करके रहूंगा भाई टीम क्या कुछ तो चाहिए, चोट लग जाती है। मैंने कहा सीधा लड़ाई करवा दो, बट भाई बेशरम ये लड़की उठी तक नहीं। यहाँ वर्ल्ड वॉर चल रही थी, बंदी उठी नहीं। थोड़ा सा और चलने देते ना तो अच्छा रहता। अरे चलने का नहीं था, हंसी नहीं रुकती मेरी, मेरी हंसी नहीं रुकती। कैमरा पकड़ा मैंने, आपने क्या किया है? कहाँ था कैमरा यार? रखा था, उन्होंने पकड़ा। ये मेरे स्टाइल कॉपी कर रहे हो सब के सामने। ये अच्छी पकड़ा अच्छा था। सक्सेसफुल प्रैंक फाइनली सबका बदला ले लिया तेरे भाई ने। देखो मैं तो हर बार ही पागल बन जाती हूँ, लेकिन मैं हमेशा कैमरा पकड़ लेती हूँ, so I'm really blessed। बेटा इस बार गलती हो गई, कैमरा देख लिया, नहीं तो तुम भी आटे में आई थी, पूरी खड़े हो रही थी। आपने थोड़ी सी नहीं, खड़ा किया था। इसने पूरी क्लास लगा डाली थी अंदर, तुम कैमरा देख के देख के। अरे एक्चुअली क्या वो कैमरा ऐसे कैसे से थे? शर्म नहीं है आपको कैमरा देख के? शर्म नहीं है आपको? बट भाई बहुत मजेदार प्रैंक हुआ और बहुत मजा आया। ये बेचारी सबसे ज्यादा हंसी यही आ रही थी कि यहाँ पे दो इंसानों के बीच में लड़ाई हो रही है, एक इंसान ने ट्रेन की टिकट करा के अपने गांव जाने का फैसला ले लिया, ये लड़की बिस्तर से उठी। अरे मैं उठने के बाद समझ रही थी अनुज से कि मेरे को बताओ एग्जैक्टली हुआ क्या, एक तरफ की बात थोड़ी ना सुनूंगी। हाँ तो कहा था मैं कट हो गया था। सो वी हैव बीन प्रैंक्ड। You guys कि कैसा लगा आपके मेरा बदला ले लिया, बहुत मजा आया। और इसी के साथ हम ये प्रैंक वॉर्स को एंड करते हैं। ये कौन कर रहा है? मैं तो बोला प्रैंक वॉर एंड करना, नहीं करना और प्रैंक आएंगे। हाय गाइस, तो इसी के साथ ये प्राइम वीडियो खत्म होता है। थैंक यू, देखते रहिए मेरे यूट्यूब चैनल को और टेक केयर, और अच्छे अच्छे कंटेंट के साथ वापस आएंगे दोबारा। प्राइम वीडियो खत्म हो गया।